हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्ले विथ स्टॉक मार्केट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में और इन्फोसिस के बारे में। आज है 26 जुलाई और संडे का दिन है, आप लोगों के लिए एक अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो। तो अगर आपके पास इन्फोसिस में या तो फिर एचडीएफसी बैंक में आपके पास होल्डिंग है तो आपके लिए ये न्यूज़ बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। या तो फिर आप इस स्टॉक में फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं या तो फिर इन्फोसिस में फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो भी आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। क्यों होगा दोस्तों, उसके बारे में हम जानेंगे। तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल पे अपने हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, मैं यहाँ न्यूज़ के ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्फोसिस को फाउंडर सिबिलाल फैमिली ऑफ लॉर्ड 8.5 मिलियंस कंपनी शेयर। तो दोस्तों, ये जो इन्फोसिस के को फाउंडर है सुबिलाल फैमिली, उसने 8.5 बिलियंस कंपनी के शेयर सोल्ड किए हैं, यानी बेच दिए हैं। क्यों बेच दिए हैं, इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं, उसके बारे में अभी तो पता नहीं चलेगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि इन्फोसिस में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है दोस्तों। क्योंकि ये जो को फाउंडर है, इन लोगों को ज़्यादा पता होता है उसकी कंपनियों के बारे में, और उसको ज़्यादा पता होता है कि जो शेयर का रेट है वो ओवर बोट हो गया या ओवर सोल्ड हो गया, या तो फिर ओवर सोल्ड होता है तो वो लोग बाइंग कर लेते हैं और ओवर बोट हो जाता है तो वो लोग सेलिंग कर देते हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्फोसिस ओवर बोट हो गया है। क्यों हो गया, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है, वो मैं आपको चार्ट के ऊपर जाऊँगा, वहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 8.5 बिलियन शेयर्स सोल्ड किए हैं। कब किए हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 22-24 जुलाई के बीच में शेयर 8.5 मिलियन शेयर्स सेल किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सोल्ड 8.5 मिलियन शेयर्स। तो अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 0.20%। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग का मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर आपके पास इन्फोसिस के शेयर्स है तो हड़बड़ी में या तो फिर पैनिक होके बेचना नहीं है दोस्तों। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप मेरा इस वीडियो देख के आपके पास जो शेयर्स है वो सेल कर दो या बेच दो। यहाँ पे जो न्यूज़ आई है, ये जो खबर आई है, उसके बारे में आप लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपके पास जो शेयर्स है वो आप बेच दो, ठीक है दोस्तों। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है दोस्तों। शेयर्स बहुत बढ़िया है इन्फोसिस, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे प्रॉफिट बुकिंग की कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। और अगर हम एचडीएफसी बैंक की बात करें तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के ऊपर आ जाते हैं हम। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं आदित्यपुरी सेल शेयर रोथ 843 करोड़ इन एचडीएफसी बैंक। ये जो आदित्यपुरी है वो एचडीएफसी बैंक के प्रमोटर्स है और उसको ज़्यादा पता होता है एचडीएफसी बैंक के बारे में। तो उसने भी 843 करोड़ के शेयर सेल कर दिए हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं तकरीबन 7.8 मिलियन शेयर्स उसने सेल कर दिए हैं। तो यहाँ पे भी मुझे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पे मैं संभावना की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ऐसा हो सकता है, किसी भी बात की कोई गारंटी नहीं होती है मार्केट में, ठीक है दोस्तों। आपको अपना एनालिसिस करना है और बाद में डिसीजन लेना है, लॉस होता है या प्रॉफिट होता है वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। मैं आपको चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ और वहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह का हमें ट्रेंड देखने को मिल रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट देखने को मिल रहा है और वाकई में क्या हमें ओवर बोट शेयर देखने को मिल रहा है, ओवर बोट हो गया कि नहीं हो गया, उसके बारे में हम चार्ट के ऊपर से अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, मैं यहाँ इन्फोसिस के शेयर्स के ऊपर आया हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने चार्ट वन डे के टाइम फ्रेम पे ओपन किया हुआ है और यहाँ पे मैंने कुछ लाइनें ड्रॉ की हुई है जिसके माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे हमें रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर हम आरएसआई की बात करें, आरएसआई के लेवल की बात करें, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि वाकई में ये जो शेयर्स है इन्फोसिस का वो ओवरबॉट हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आरएसआई 70 के ऊपर चला गया है, तकरीबन 73 के आसपास चल रहा है और यहाँ पे आरएसआई के हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवरबॉट जोन में हमें इन्फोसिस ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छा खासा गैप अप किया हुआ है, यहाँ पे अच्छा खासा गैप बनाया है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि गैप को फिल करने के लिए 850 के लेवल के आसपास हमें ये ट्रेड
यह स्टॉक आता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट में करेक्शन आता है या तो फिर बिकवाली आती है मार्केट में, तो हमें इन्फोसिस 850 के लेवल के आसपास सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल सकता है। और नीचे दूसरा जो सपोर्ट देखने को मिलता है वो 810 पे देखने को मिलता है, और अभी जो हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो 900 पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है दोस्तों। और अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस हमें 950 पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो अगर इन्फोसिस की बात करें तो कह सकता हूँ कि यहाँ पे मुझे ओवरसोल्ड देखने को मिल रहा है इन्फोसिस। तो दोस्तों इन लेवल्स पे आप अपनी नज़र बनाए रख सकते हैं, और अगर फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो अभी आप थोड़ा रुक जाइए, आप 850 के लेवल के आसपास फ्रेश बाइंग कर सकते हैं दोस्तों, और वो भी आपके एनालिसिस के साथ। ठीक है दोस्तों, मैं ही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप फ्रेश बाइंग करो ऐसा नहीं है, आपका खुद का भी एनालिसिस करना है और फिर फ्रेश बाइंग करना है। ठीक है दोस्तों, अब हम जाते हैं HDFC के चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे HDFC का चार्ट ओपन कर लिया है, और ये चार्ट भी मैंने 1 डे के टाइम फ्रेम पे ओपन किया हुआ है, और यहाँ पे मैंने कुछ लाइनें ड्रॉ की हुई जिसके माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे हमें रेजिस्टेंस सपोर्ट देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लाइन ड्रॉ की हुई है, HDFC इसी ट्रेड लाइन को फॉलो करते हुए एक अपसाइड मोमेंटम दिखा रहा है। हाई बनाया था 1160 का, और हमें जो यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो 1100 पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है, और नीचे 1060 पे सपोर्ट देखने को मिलता है। और अगर हम RSI के लेवल्स की बात करें तो RSI तकरीबन 60 के आसपास हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे आप सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे 1100 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर इस 1100 को सपोर्ट को ब्रेक करता है तो हमें 1060 के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है, या तो फिर इस ट्रेड लाइन को भी ब्रेक करता है तो भी पॉसिबिलिटी हाई हो जाएगी कि 1160 तक ट्रेड करता हुआ हमें देखने को मिल सकता है HDFC बैंक। तो इन लेवल्स को आप अपने नज़र में रख सकते हैं दोस्तों, और अपना खुद का एनालिसिस करके इसमें आप अपनी फ्रेश बाइंग कहाँ पे करनी है उसके बारे में आप सोच सकते हैं इन लेवल्स के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम कारोबार की डिटेल जानने की कोशिश करते हैं कि हमें फ्राइडे के दिन किस तरह का कारोबार देखने को मिला था HDFC बैंक में और इन्फोसिस में। तो दोस्तों हम यहाँ HDFC बैंक के कारोबार की डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। जो क्लोजिंग हुई थी फ्राइडे के दिन यानी 24 जुलाई को, तो आप देख सकते हैं 1119 पे क्लोजिंग हुई थी। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो 1130 पे प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी, ओपन हुआ था 1122 पे, हाई बनाया था 1122 का और लो था 1101 का। और डिलीवरेबल परसेंटेज की बात करें तो तकरीबन 27.88% का हमें यहाँ पे अच्छा खासा डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिल रहा है। अगर हम इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस का जो कारोबार रहा था 24 जुलाई फ्राइडे के दिन, तो जो क्लोजिंग प्राइस हमें देखने को मिल रही है वो 922 रुपये पे, 922.85 पैसे पे क्लोजिंग प्राइस देखने को मिल रही है। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो 907 पे हुई थी, ओपन हुआ था 903 पे, हाई बनाया था 925.75 पैसे का। और अगर हम डिलीवरेबल परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे 31.89% का हमें यहाँ पे डिलीवरेबल परसेंटेज देखने को मिल रहा है, तो अपने आप में बढ़िया परसेंटेज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।